दरभंगा में फिर घटी एक दर्दनाक घटना। दरभंगा में एक जवान अपने ही गर्दन पर अचानक करने लगा चाकू से हमला। जी हां, जिले के बहेरा थाना में पदस्थापित बिहार पुलिस के जवान अरुण प्रसाद ने गुरुवार की रात चाकू से गर्दन रेत कर आत्महत्या करने की कोशिश। जवान द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की सूचना मिलने के साथ उसके साथियों ने उन्हें तत्काल बहेरा प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां से प्राथमिकी उपचार के बाद अरुण के बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। अत्यधिक रक्त स्राव के कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें DMCH में रक्त चढ़ाया जा रहा है। बताया गया है कि जवान बहेरा प्लस 2H विद्यालय में आंसू गैस वाले वाहन पर तैनात है। वो गुरुवार की रात बैरक में अपने साथियों के साथ भोजन कर सोने गए। इसी बीच धराधर हथियार से गला रेत कर आत्महत्या करने की कोशिश। इसी बीच उनके साथ रह रहे जवान ने आनन फानन में गाड़ी पर लाद कर उन्हें तत्काल बहेरा PHC में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहां PHC चिकित्सक डॉक्टर कामेश कुमार ने प्राथमिकी इलाज कर बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया। इसी बीच घटना की सूचना मिलने के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक ने पूरी घटना की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि जवान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। घटना के करने का जानकारी नहीं मिली है। जवान पूर्वी चंपारण जिला के केटवा का निवासी बताया गया है। मामले की जांच की जा रही है।